हेलो स्टूडेंट्स, सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। नेक्स्ट टॉपिक से चालू करते हैं, द क्लेम ऑफ पैरामेंटेसी। ये इसमें ये बताया गया है कि जब लॉर्ड हेस्टिंग आए थे ना, उन्होंने ये पॉलिसी में ऐसा बताया था कि जो इंडियन स्टेट है ना, इंडियन स्टेट की जो पावर है वो जो इंग्लैंड है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे थोड़ी सी कम है, उससे कम है। इन ऑर्डर टू, ऐसा बोल रहे कि अपनी ये जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंडियन किंगडम को अनेक्स कर लिया था, मतलब कब्जे में कर लिया था। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया एज रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ। अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट से कहीं इंडिया में ना घुस जाए। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। उन्होंने उसके बाद अफगानिस्तान में बैटल किया, वो बहुत लंबा बैटल चला और उसके बाद वहाँ पर भी उन लोगों ने अपना राज जमा लिया। सिंध को भी उन लोगों ने ओवरटेक कर लिया 1843 में। After the death of Maharaj Ranjit Singh in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom and in 1849 Punjab was annexed। बोल रहे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के बाद दो वॉर्स लड़े गए, बहुत लंबे लंबे वॉर्स से फाइनली 1849 में पंजाब को भी कब्जे में कर लिया गया। आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डेलहाउजी जो गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 1856 में, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इट डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द टेरिटरी। ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ये एक इंडियन राजा है, ये इंडियन राजा के डेथ के बाद इसका कोई छोटा बच्चा नहीं है जो किंगडम संभाल सके, तो ऐसा हर किंगडम जिसमें राजा का कोई बेटा नहीं है वो किंगडम ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाएगा, कंपनी के पास आ जाएगा। ठीक है, आगे मैनी किंगडम वर एनेक्स्ड अंडर दिस रूल। ऐसा बोल रहे हैं ऐसे इस रूल के अंडर में बहुत सारे किंगडम को कब्जे में किया गया। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। झांसी की तो तुमने स्टोरी सुनी है ना, लक्ष्मीबाई की, वहाँ पे उनका कोई बेटा नहीं था, उन्होंने बेटा गोद लिया था पर ना इन ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ नहीं किया राजा बनाने के लिए, वो इसी पॉलिसी की वजह से था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। द कलेक्टर्स मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेन स्टूडेंट्स। ऐसा बोल रहे हैं कि ना ये जो कलेक्टर्स वहाँ पे बिठाए जाते थे, उनका मेन काम क्या होता था, जहाँ पे उनको बिठाया गया ना वहाँ पे उनको टैक्सेस कलेक्ट करना है, वहाँ के जजेस और ऑफिसर के साथ कॉपरेट करके जितना भी रेवेन्यू है उसका पूरा हिसाब किताब करना है। कंपनी आर्मी फ्रॉम 1820 द कैलवरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी आर्मी डिक्लाइन बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वर फाइटिंग इन बुर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म विद मस्केट्स एंड मैच लॉक्स। इन एंटायर 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना पहले क्या हुआ ना 1820 में मिलिट्री पावर है ना जो इंग्लैंड की वो धीरे धीरे कम हो रही थी बिकॉज वो लोग अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा वॉर्स लड़ रहे थे। 19th century में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब है ना एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डिसाइड करेंगे, मतलब वो लोग सेट कर देंगे कि भाई सोल्जर को किस तरह के कपड़े पहनने हैं, उन लोगों को क्या किस तरह से काम करना है, किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिलेगी, क्या वेपन्स उनको यूज़ करने। इस तरह से उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी आर्मी को क्या बनाना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चालू कर दिया। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785 प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपांशन ऑफ कंपनी पावर। ब्रिटिश टेरिटोरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल प्रेसिडेंसीज। दे वर थ्री प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, वो हम ऐसा बोल रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंपनी का रूल और रोल को एक्सपांड करने में। ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली तीन प्रेसिडेंसीज में डिवाइडेड था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर जो था हर प्रेसिडेंसी थी किसी ना किसी गवर्नर जनरल के द्वारा रूल की जाती थी। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वो एस्टैब्लिश्ड। 1772 के बाद एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऐसा बोल रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, और बाद में जाके जब ये कॉमन कोर्ट आए ना तो उन दोनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना, हिंदू का अलग मुस्लिम का अलग, वो सब हटा के एक दो कॉमन कोर्ट बना दिए गए थे, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है।